बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ, कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई MLA भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत के आपका काम होगा और साफ सुथरा प्रशासन होगा। जितने अभी तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उन सबकी जांच कराएंगे, जितने पेपर फूटे उन सबकी जांच कराएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। साफ सुथरा प्रशासन होगा तो बहुत पैसा बचेगा और उस पैसे को, एक एक पैसे को जनता के लिए खर्च किया जाएगा। जो पैसा अभी लूट के स्विस बैंकों में जाता है वो पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। क्या गारंटी रहेगी गुजरात के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की? गुजरात में ड्रग्स का जो मामला है वो काफ़ी बड़े जोर से चल रहा है और उनकी जो तुलना है वो पंजाब से भी हो रही है, अलग अलग राज्यों से भी हो रही है। देखिए, अभी पिछले दिनों में कई इंसिडेंट्स ये आए हैं जो कि दिखाते हैं कि गुजरात के पोर्ट से, एक पोर्ट से सबसे ज़्यादा ड्रग्स का अंदर आना हो रहा है और यहाँ से एक तरह से फिर पंजाब की तरफ जाती है ड्रग्स और बाकी देश के अंदर ड्रग्स जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर तौर पे इसमें कहीं ना कहीं ऊपर प्रशासन की मिली भगत है। उसके बिना इतने बड़े स्तर पे, अखबार में एक स्टोरी आई थी कि 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में अंदर आया है। इतने बड़े स्तर के, ये तो वो है जो पकड़ा गया है, और जो नहीं पकड़ा गया उसका आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर ड्रग्स आ रही हैं और प्रशासन उसको रोक पाने में असमर्थ है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें लोगों को जाहिर तौर पे एक शंका होती है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक प्रशासन की मिली भगत है। सर जी, जिस जगह से ड्रग्स आ रहा है या चाहे वो जितने भी बंदर हो, मुद्रा या अंबानी वाला बंदर, उनके सामने कोई कार्यवाही करनी चाहिए आपको क्या लगता? बिल्कुल करनी चाहिए। पूरे देश के युवा को इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से और अपने कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश के युवाओं को एक तरह से ताक पे रख दिया है। ये ड्रग्स अल्टीमेटली तो यहाँ से आके और पूरे देश के अंदर फैलता है, देश का युवा इसको कंज्यूम कर रहा है, गुजरात का युवा भी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से पंजाब जाता है, फिर यहाँ से देश के अलग अलग कोने कोने में जाता है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और जनता काफ़ी नाराज़ है कि इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। सर, बीजेपी वाले इन दिनों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप जिस तरह से यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, पंजाब सरकार के पास अपने एम्प्लॉयज को चुकाने के लिए पैसे नहीं, सारे पैसे दे दिए, सारी तनख्वाह दे दी, झूठा प्रचार कर रहे हैं ये लोग। सर आज सारी तनख्वाह दे चुके हैं। आज इस प्रकार गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी कहा कि जो अब तक पकड़ा जा रहा था ड्रग्स वो पंजाब में हर तरह है, पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में इधर से जा रहा था। कितनी बार, कितने ऐसे पकड़े गए जब पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस ने मिलके उसको पकड़ा, गुजरात के अंदर आया और उसका डेस्टिनेशन पंजाब था, लेकिन पंजाब पहुंचने के पहले गुजरात में पकड़ा गया।